चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार। पुलिस और एंटी करप्शन टीम की लाहौर के जहूर इलाही रोड पर गाड़ी की तलाशी। साबिक वजीर आला पंजाब पर तरक्याती स्कीमों में बेहिसाबतियों का इल्ज़ाम। मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन पंजाब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किया। सावेक वजीर आला पंजाब बदरवानी के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। अदालत से जमानत भी मनसूख हो चुकी। तमाम शवाहिद मौजूद। आमदन से ज्यादा असासों की तहकीकत भी जारी हैं। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब का बयान। पुलिस कई रोज़ से परवेज़ इलाही की तलाश में थी। घर से निकलने वाली गाड़ी की तलाशी ली गई तो साबिक वजीर आला पंजाब अंदर मौजूद थे। गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत भी की गई। पुलिस की गाड़ी को शीशे तोड़ना पड़े। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगु। वालिद को झूठे मुकदमे में पकड़ा गया। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर मोनिस इलाही का रद्द अमल। जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे शहीदों की बेहरमती या जो भी हुआ, हम कोई भी इस मुल्क में उस पर खुश नहीं है और ना हम खुश हैं। और ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कि फिर इस मुल्क में हों, और मैं इसको दोबारा कंडेम करता हूँ। अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फैसला किया कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्क से सलाह मशवरा करके आइंदा का लायमल तय करूँगा। परवेज खट्टक का पार्टी अहदा छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कई रोज़ से सियासी हालात का जायजा ले रहा हूँ। एहतजाज की आड़ में जो कुछ हुआ उस पर खुश नहीं। साबिक वफाकी वजीर दिफा का मुख्तसर पैगाम। पाकिस्तान का जो एक तमाशा बना दिया था आज से 2-3 महीने पहले के, एक रट लगाई हुई थी अंदर भी पाकिस्तान के, बाहर भी डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, सुबह शाम कोई ना कोई बोलता था डिफ़ॉल्ट होगा डिफ़ॉल्ट होगा। दूसरा कि जी ये खुदा न खासा श्रीलंका में कुछ नहीं होने वाला, ना ये श्रीलंका अल्लाह ना करे कभी बनेगा तो ना ये डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह करेगा। हाँ, हमें जैसे मैंने कहा कि तंगी आती है उसके मुताबिक अपने आप को मैनेज करना है। 2-3 माह से डिफ़ॉल्ट का तमाशा लगा हुआ था। मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। सख्त इकदाम के मुस्बत नतीजे आना शुरू हो गए। घबराना नहीं है, मुल्क भंवर से निकल आएगा। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजद। मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। इसहाक डार। सरबरा पाक फजाया से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोतरफा तआवुन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल, ऑपरेशनल और तरबीती शोबों में इनकलाबी इकदामात के हवाले से आगाह किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में नेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर कॉन्फ्रेंस का आगाज़। पहले रोज़ यूएस काउंसिल जनरल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 100 तहकीकी मकाले पेश किए जाएंगे।